असलकम एवरी वन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टबाउट द स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड आफ्टर डोनेशन डोनेशन के बाद जो हमारे पास ब्लड होता है डोनर का ब्लड होता है उसकी स्क्रीनिंग होती है स्क्रीनिंग क्यों होती है किस लिए होती है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में लास्ट के लेक्चर में मैंने बात करी थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हमारे पास दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फर्स्ट वन जो ब्लड डोनेशन होती है दैट शुड नॉट बी हार्मफुल टू द डोनर डोनर के लिए वो हार्मफुल नहीं होनी चाहिए डोनर को उस डोनेशन से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए तो वो सारा मैंने लास्ट के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था क्या क्राइटेरिया है क्या रिक्वायरमेंट्स है जो एक डोनर को फुलफ़िल करनी है अगर डोनर को कोई भी पास्ट हिस्ट्री प्रेजेंट हिस्ट्री कुछ भी डिसऑर्डर uh, डिफेक्ट हो तो उसको हम डोनेट करने नहीं देते हैं तो वो सारा मैंने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया तो आज जो दूसरा बेसिक प्रिंसिपल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का दैट इज़ कि ब्लड जो डोनेटेड ब्लड जो अब हमारे पास है जो हमने पेशेंट को जो हमने रिसिपियट को ट्रांसफ्यूज़ करना है वो उस रिसपियन के लिए या वो उस पेशेंट के लिए हार्मलेस होना चाहिए उससे रसीपियट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए वो बेनिफिशियल होना चाहिए रिसिपियनट के लिए तो वही वो रसीपियट के लिए बेनिफिशल हो और उस में कोई हार्मनेस ना हार्म उसमें ना हो उस लिए हम उस ब्लड की पहले स्क्रीनिंग करते हैं तो ब्लड बैंकिंग ब्लड बैंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लैब में या यू केन से जो ब्लड बैंक में होता है जो डोनेटेड ब्लड पे किया जाता है जो हमने ब्लड डोनेटेड हमारे पास है या हमने उस ब्लड के प्रोडक्ट्स निकाले हैं वो सेफ़ होना चाहिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले हम उस ब्लड को हम उस डोनेटेड ब्लड को कुछ टेस्ट्स करते हैं दैट्स कॉल्ड ब्लड बैंकिंग कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं दैट्स कॉल्ड ब्लड बैंकिंग उसमें टेस्ट्स वगैरह आते हैं उसमें एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट आता है जो हम लैब में या यू कैन से जो हम ब्लड बैंक में करते हैं उस डोनेटेड ब्लड पे। फर्स्ट इज ब्लड टाइपिंग दैट इज ओ ए बी ओ ब्लड ग्रुप आर एच टाइपिंग स्क्रीनिंग फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड रेड ब्लड सेल एंटीबॉडी जो रेसिपिएंट को कोई प्रॉब्लम कर सकती हैं या स्क्रीनिंग किसी भी इन्फेक्शन के लिए हेपेटाइट्स, एच आई वी सिफिल्स एट्सट्रा तो ये अब हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे ये टाइपिंग क्या आर आरएच टाइपिंग क्या है सो लेट स्टार्ट विद द ए बी ओ एंड आर टाइपिंग ये ब्लड ग्रुप्स है ए बी ओ ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा कि बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हैं ये ब्लड ग्रुप्स क्या है कैसे ये अलग अलग है एक इंसान को अगर ब्लड ग्रुप ए है तो दूसरे को ब्लड ग्रुप बी है क्यों है इनमें डिफरेंस क्या है ये ब्लड ग्रुप्स होते क्या है ये ब्लड ग्रुप देखना क्यों पड़ता है ट्रांसफ्यूजन से क्यों हम ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी क्यों नहीं हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं वो आपका अलग से टॉपिक है इन कमिंग डेज़ में हम वो भी डिस्कस करेंगे तो फिलहाल यू जस्ट रिमेंबर कि जो हमारे पास डोनेटेड ब्लड है हम उसकी ब्लड ग्रुपिंग करते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग मतलब इस डोनर का ब्लड ग्रुप ए है इसका ब्लड ग्रुप बी है इसका ब्लड ग्रुप ए बी है या इसका ब्लड ग्रुप ओ है तो हम वो इसको चेक करते हैं ठीक है और आर एच टाइप क्या होता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपने सुना होगा फलानी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है नहीं, उसका तो ओ नेगेटिव है दूसरे का ए भी पॉजिटिव है तो ये हमारे पास अलग अलग से डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं इनशल ये हम डिस्कस करेंगे आगे सो so, हम पहले इस डोनेटेड ब्लड पे ए बी ओ एंड आर एच टाइपिंग करेंगे ये फर्स्ट स्टेप है एनालिसिस ऑफ ब्लड ब्लड पे यही किया जाता है वेदर इट इज A, whether it is B, whether it is ए बी और वदर इट इज़ ओ एंड देन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो ये हमें इसलिए चेक करना पड़ता है क्योंकि हम ब्लड ग्रुप A वाले पेशेंट को ब्लड ग्रुप B का ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं उससे ब्लड क्लम्प उससे क्लम्पिंग हो सकती है आर बी सी स्क्रैक हो सकती है और इनफैक्ट उससे पेशेंट की डेथ भी होती है वो सब हम आगे पढ़ेंगे क्यों और कैसे तो नेक्स्ट इज डिजीज स्क्रीनिंग हम डोनर के ब्लड को चेक करते हैं उसको टेस्ट करते हैं कहीं इसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है हम उसको चेक करते हैं एच के लिए हम उसको हेपाटाइटिस बी वायरस के लिए चेक करते हैं हम उसको हेपेटाइटिस सी चेक करते हैं हम उसको सिफिल्स के लिए चेक करते हैं और भी बहुत सारे इन्फेक्टेड, इन्फेक्शस डिजीज़ हम चेक करते हैं कि कहीं डोनर में वो तो नहीं है इसलिए ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि ब्लड डोनेशन का ये एक बेनिफिट है कि आपको फ्री में सारे ब्लड टेस्ट होते हैं आपको चेक होते हैं कि कहीं आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है साथ ही साथ फिज़िकल हेल्थ चेकअप भी आपको होता है सो so, डिजीज स्क्रीनिंग भी होती है बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड नेक्स्ट इज ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर के ब्लड को चेक किया जाता है कि कहीं इसमें कुछ ऐसी एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट नहीं है जो रेसिपिएंट के लिए हार्मफुल हो कभी कभार कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बहुत रेयर केसेस में ये ज्यादातर होता है जिन्होंने प्रीवियसली कोई ट्रांसफ्यूजन लिया होगा या प्रेगनेंसी में तो कोई अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडी हो सकती है प्रेजेंट तो वो भी हमें चेक करनी पड़ती है ट्रांसफ्यूजन से पहले ताकि को कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इफेक्ट इससे ना पड़े सो so, ये है कुछ बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम डोनर के ब्लड पे आफ्टर डोनेशन करते हैं सो दैट ब्लड सेफ हो रेसिपियंट उससे कोई नुकसान ना पहुँचे रेसिपियंट के लिए आफ्टर जब रिजल्ट जब डोनर का ब्लड जो है फ्री ऑफ एनी इन्फेक्शन होगा कोई अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडी पेशेंट के लिए उसमें नहीं प्रेजेंट होगी तो उसके बाद हम पेशेंट में वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं तो जब भी कोई पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन uh, की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल होता है ब्लड स्टोर प्रिजर्व रखा होता है हमने ब्लड तो आफ्टर दैट उस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है सो इट वॉज अबाउट द स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे थैंक यू हैव अल्लाह हाफिज